तो अगला पत्ता कट सकता है नैजी का। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा मैं चाहती भी नहीं हूं, चाहते ही कुछ घर वाले, कुछ ना कुछ तो आज बिग बॉस के घर में हुआ है जिसकी वजह से अभी ये डिस्कशन भी चालू हो गया। अब 7 लोग बिग बॉस के घर में बचे हैं, 2 लोग और जाएंगे, फिर टॉप 5 मिल जाएंगे जनता को और बिग बॉस को। देखिए यहाँ पर लव जो है ना, अरमान और कृतिका भी वहाँ बैठी है, तो वहीं पर बैठे इनकी बातचीत हो रही है। बेसिकली बात हो रही है कि नेजी ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अभी तक के बिग बॉस के घर में, वो सुमड़ी में घुमड़ी करके अभी तक के सेफ होता हुआ आया है। तो यहाँ पर कृतिका कहती है कि अगर आप कंपेयर करोगे ना मुझे और नेजी से, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। वो एक बार नॉमिनेट हुआ, फिर उनको याद आता नॉमिनेट तो मैं भी एक बार हुई हूं, तो कहती मैं भी एक बार नॉमिनेट हुई हूं, लेकिन जो है ना कंट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे ना तो कंट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा है। तो कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है किसका कम है वो दुनिया को पता है। नेजी के रील्स वायरल होते हैं, वो कुछ करे ना करे वो इतना ज्यादा फनी है, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है, वो किसी को गलत बात नहीं बोलता है, वो किसी को गाली नहीं देता बहन की वाली। तो यहां पर जो है ना इनका कंट्रीब्यूशन तो भैया 0 है। खाली कपड़े ठुमक ठुमक करके पहनना है, एक दिन में 10 कपड़े पहनना है, 4 कपड़े पहनना है, लेकिन कंटेंट कुछ भी नहीं है। खाना पकाना है और कपड़े पहन पहन करके दिखाना है। देखो गुड्डू में कैसे लग रही, गुड्डू गुडू गुडू। तो यहाँ पर जो है इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, पहली फुर्सत में इनको निकलना चाहिए था। नेजी मजेदार बंदा है, तो इनके हिसाब से जैसे कह रही है कंपैरिजन की बात आती है तो भैया नेजी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर कृतिका के मामले में। लेकिन अभी लोगों की ये बात हो रही है गाइज कि उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ एक बार नॉमिनेशन में आया, इसके बाद वो नॉमिनेशन में बचता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी देखो कितना टाइम बचा है, टाइम ही नहीं बचाएगा, तो आने वाले टाइम में ये लोग सुमड़ी में घुमड़ी में करके नेजी को फंसा सकते हैं, उसको भी एलिमिनेट करवा सकते हैं। फिलहाल क्या लगता है आपके हिसाब से आपके टॉप 5 कौन होंगे और किन दोनों का एलिमिनेशन होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।